हेलो दोस्तों, अभी जैसा कि पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना के केसेस एकदम से कम हो गए, और ख़ासकर जब से ये कोरोना वैक्सीन की न्यूज़ आई है, जब से काफ़ी पॉजिटिविटी है पूरे देश में और कोरोना का एकदम से स्लो डाउन हो गया। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ क्या हुआ, लोग एकदम से लापरवाह भी हो गए। लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बंद कर दिया। इससे क्या हुआ दोस्तों, अभी रिसेंटली एक स्टेट ऐसा है, और ख़ासकर उस स्टेट का एक पर्टिकुलर जो सिटी है, वहाँ पे एकदम से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। तो मैं ब्रजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ लाइफ इजी चैनल पे, और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उसी स्टेट के बारे में, पर्टिकुलर सिटी के बारे में, जहाँ पर अब लग रहा है कि लॉकडाउन दोबारा लग सकता है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, अभी रिसेंटली पिछले 24 घंटे में पता चला है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में 558 नए केसेस आए हैं, पर्टिकुलर मुंबई में। और दोस्तों, वहाँ पे पिछले 24 घंटे में 4 डेथ भी हुई है। अब इस पे वहाँ के जो मेयर हैं, उनका ये कहना है कि भाई साहब, केसेस बढ़ रहे हैं और लोग अब लापरवाह हो रहे हैं। बीच में स्लो डाउन आया था कोरोना का, लेकिन लोग अब लापरवाह हो गए, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, लोगों ने कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको सीरियसली लेना बंद कर दिया है। अब इससे क्या है, उनका ये कहना है कि हो सकता है हमें मजबूरन यहाँ पे लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़े। लेकिन हालांकि सरकार की अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है लॉकडाउन को लेकर के, लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार जी, उन्होंने बोला है कि अगर लोग कोरोना की गाइडलाइन को सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें मजबूरन लोगों की सेहत के लिए और लोगों के ध्यान के लिए हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, ताकि कोरोना जो स्पीड से पिछले 24 घंटे में एकदम से नए केसेज आए 558 और 4 नई डेथ हुई है, उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। और खासकर जो मेयर हैं मुंबई की, उनका ये कहना है कि जो चेंबूर इलाका है, वहाँ पे एकदम से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। तो दोस्तों, इन सब को देखते हुए ये समझ आता है कि चाहे कोरोना के केसेस डाउन हो रहे हैं और चाहे वैक्सीन आ गई है, हालांकि सरकार का भी ये कहना है कि भाई साहब, वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन अगर आपको लग भी जाती है, तब भी आपको कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करनी है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, और जो और भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको फॉलो करना है। तो मेरा यही कहना है आपको कि चाहे केसेस स्लो डाउन हो रहे, चाहे आपको वैक्सीन लग गई, लेकिन कुछ दिन अभी और, जब आपने इतना सब्र किया, एक साल आपने लॉकडाउन का पीरियड गुजारा, फिर उसके बाद अनलॉकडाउन का पीरियड गुजारा, और बड़े अच्छे से इंडिया ने कोरोना के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया, WHO ने भी तारीफ़ की वर्ल्ड वाइड, तो अब इसको थोड़ा दिन और कंटिन्यू करिए, पेशेंस के साथ गाइडलाइन को फॉलो करिए, और जब चीज़ें बिल्कुल ही नॉर्मलाइज हो जाए, तो गवर्नमेंट खुद कहेगी कि भाई आप गाइडलाइंस को फॉलो मत करिए, वो खुद ही ये रिस्ट्रिक्शन हटा देगी। तो इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।